वहीं उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और 4-5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है, तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी है आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली है, तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार।